फिक्शन है हमारे पास ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज सेम एज दैट ऑफ 88 ग्राम ऑफ CO2 गैस. कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस. इक्वेशन आपके पास, आपके पास क्या कहा गया है भाई इसमें कि ऑक्सीजन गैस है उसकी जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है. ऑक्सीजन गैस की जो वॉल्यूम है वो 88 ग्राम CO2 जो गैस है उसकी जितनी वॉल्यूम है उतनी ही किसकी वॉल्यूम है, ऑक्सीजन गैस की. तो उतनी वॉल्यूम के अंदर वीडियो नहीं आ रही भाई, यहाँ तो चल रही है सही, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, नेट भी सही चल रहा है, स्पीड अच्छी आ रही है, स्पीड 300-400 Mbps की आ रही है भाई, तेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है तेरे. अगर किसी और को भी दिक्कत आ रही है क्या, वीडियो नहीं आ रही होगी किसी और के पास, आ रही है ना, आज तो नेट बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है. चलो देखते हैं आगे करते हैं, जिसके पास नहीं आ रही वो रिफ्रेश कर लो एक बार नेट को भाई, फ्लाइट मोड ऑन करके कर लो. देखो भाई आगे इसमें पूछा क्या है, इसने इसने कहा है कि 88 ग्राम जो CO2 है ना उसकी जो वॉल्यूम होगी उतनी ही वॉल्यूम आपके पास ऑक्सीजन गैस की है, तो उतनी वॉल्यूम के अंदर ऑक्सीजन गैस का आपने मास कैलकुलेट करना है भाई, ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने क्या कहा है यहाँ पे देखो, इस वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इज सेम एज दैट ऑफ 88 ग्राम ऑफ CO2 गैस. तो हम पहले ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो कैसे कैलकुलेट होगी, जब आप 88 ग्राम CO2 के अंदर जो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लोगे तो वही वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम हो जाएगी. तो पहले आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट ये रहेगा इसमें कि 88 ग्राम ऑफ CO2 गैस, ठीक है, इसकी वॉल्यूम कितनी है पहले आप ये कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट पार्ट ये रहेगा हमारे क्वेश्चन में. ठीक है, 88 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर आप वॉल्यूम कैलकुलेट करो, कैसे करेंगे देखो भाई, हमें क्या पता है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है किसी भी गैस का उसके अंदर कितनी वॉल्यूम होती है, 22.4 लीटर. ये हमने मोल कंसेप्ट से पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, 1 mole = g/mmol/mass = 22.4 liter for any gas. ये हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा हमने कि एक मोल ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर होता है, और अगर कोई गैस है आपके पास तो उस गैस की वॉल्यूम कितनी हो जाती है, 22.4 लीटर हो जाती है भाई. ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से जो CO2 है उसका आप मोलिकुलर मास कैलकुलेट करोगे, ग्राम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करके दिखाइए. यहाँ से CO2 का कार्बन का कितना होता है, 12 प्लस में 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का 16, तो क्या हो गया 12 प्लस में 32 = 44 ग्राम. अगर आप ग्राम मोलिकुलर मास लिख रहे हैं तो कितना आ गया, 44 ग्राम आ गया भाई, 44 ग्राम. अब 44 ग्राम के अंदर क्योंकि ग्राम मोलिकुलर मास आ गया, CO2 का वॉल्यूम कितनी होगी, 22.4 लीटर. ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो 44 ग्राम ऑफ CO2 = 22.4 लीटर. ठीक है, अब यहाँ से 1 ग्राम CO2 में कितनी होगी भाई, 1 ग्राम ऑफ CO2 = 22.4 / 44 लीटर. यूनिटरी मेथड, सिंपल मैथमेटिक्स का, 44 ग्राम में इतनी बोलू मैं तो 1 ग्राम में कितनी होगी, 44 से भाग हो जाएगा, डिवाइड हो गया. उसके बाद आपको कितना वेट दे रखा है, 88 ग्राम. समझ आ रही है बात क्या है, 88 ग्राम आपके पास CO2 दे रखी है, तो आपने 88 ग्राम के अंदर वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है. तो 88 ग्राम ऑफ CO2, अरे भाई ये माइक को म्यूट करो रे, देखो भाई
88 ग्राम CO2 के अंदर आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे हम इसको 88 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22.4 डिवाइडेड बाय 44 इनटू में 88, ये कितनी आ गई हमारे पास 44.8 लीटर। अब इसका मतलब क्या है कि 44.8 लीटर किसकी वॉल्यूम आई है, ये वॉल्यूम हमारे पास आई है भाई 88 ग्राम CO2 की। 44.8 लीटर किसकी वॉल्यूम आ गई हमारे पास, 44.8 लीटर किसकी आ गई है 88 ग्राम ऑफ CO2 की वॉल्यूम आ गई है। और इतनी ही वॉल्यूम किसकी है, ऑक्सीजन गैस की। क्वेश्चन में रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा है, इफ वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इज सेम एज दैट ऑफ 88 ग्राम ऑफ CO2 गैस, 88 ग्राम CO2 के अंदर जो वॉल्यूम है उतनी ही वॉल्यूम किसकी आपकी ऑक्सीजन गैस की है, ठीक है। तो इतनी ही वॉल्यूम किसकी आ गई आपके पास, ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम आ गई। अब इस वॉल्यूम के अंदर आपने क्या करना है, ऑक्सीजन का मास निकालना है। तो जो आइडियल सिचुएशन है वो आपको क्या पता है, आप इसको उल्टा भी तो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो कि 22.4 लीटर अगर किसी चीज की वॉल्यूम है तो उसके अंदर वेट कितना होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो आप ये बात जो अभी अभी मैंने बोली कि 22.4 लीटर अगर किसी गैस की वॉल्यूम है तो उसमें जो वजन है वो कितना होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, आप इस चीज को ऑक्सीजन के ऊपर अप्लाई कर दो भाई। समझ आती है बात, किसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम इस बात को, ऑक्सीजन के ऊपर अप्लाई करेंगे भाई। ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना होता है, 32 ग्राम, अगर ग्राम मोलिकुलर मास की बात करते हैं तो। अब हमें क्या पता है 32 ग्राम में वॉल्यूम कितनी रहेगी, 22.4 लीटर। आपने इसको उल्टा लिखना है, मतलब 22.4 लीटर को इधर और 32 ग्राम को इधर, क्योंकि जो चीज कैलकुलेट करते हैं वो राइट हैंड साइड रहनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू 32 ग्राम, मतलब 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस में कितना वेट है, 32 ग्राम है। तो 1 लीटर ऑक्सीजन गैस में कितना वेट हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 22.4 ग्राम हो जाएगा। और आपने कितने में कैलकुलेट करना है, 44.8 लीटर में, क्योंकि जो ऑक्सीजन है, क्या बोलते हैं सॉरी, CO2 की जो वॉल्यूम आई है उतनी ही ऑक्सीजन कितनी है, उतनी ही वॉल्यूम कितनी है ऑक्सीजन की है। यही बात हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है यहाँ पे देखो, इफ वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इज सेम एज दैट ऑफ 88 ग्राम ऑफ CO2 गैस, 88 ग्राम CO2 के अंदर जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम की है ऑक्सीजन गैस की है। तो यहाँ से आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे आप लिखोगे 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने वेट आएगा, 32 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 44.8 ग्राम। इसको सोल्व कर लो, 1+2+32 64 ग्राम वेट आ गया भाई ऑक्सीजन, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया, किसी को नहीं आया तो बता दो, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार अनम्यूट करके, और बता सकते हो मेरे को अगर समझ में नहीं आया है तो आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या कहता है, हाफ मोल ऑफ एक्सियल गैस, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो गैसियस फॉर्म में है, यहां पे हाफ मोल किसका लिया आपने, एक्सियल गैस का, हैव वॉल्यूम, हैव वॉल्यूम इक्वल टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन CO2 गैस। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, देखो जो HCl के हाफ मोल की जितनी वॉल्यूम है, हाफ मोल की जितनी वॉल्यूम है उतनी ही वॉल्यूम किसकी है, CO2 गैस की। और उस वॉल्यूम में आपने ऑक्सीजन के एटम कैलकुलेट करने हैं, CO2 के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम है। देखो अगर सिंपल CO2 का फॉर्मूला आपको दिखाई देता है तो इसमें दो एटम्स हैं ऑक्सीजन के,
टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, देखो ओ टू दो है कार्बन का, ठीक है। लेकिन ये तो इसका एक मोलिक्यूल हुआ। अब हमें पहले इसके टोटल मोलिक्यूल काउंट करने पड़ेंगे। जैसे मान लो 500 मोलिक्यूल आ गए, तो ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए, 500 दूनी 1000 हो गए भाई। एक मोलिक्यूल दो एटम है तो 500 में कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप HCl की वॉल्यूम कैलकुलेट करो हाफ मोल में, उसके बाद उस वॉल्यूम को आप CO2 की जो है वॉल्यूम के बराबर पुट करोगे, क्योंकि CO2 की वॉल्यूम भी इतनी है जितनी HCl की वॉल्यूम है हाफ मोल की। और उस वॉल्यूम में आप क्या कैलकुलेट करोगे, फिर CO2 के टोटल मॉलिक्यूल काउंट करेंगे। फिर एक मॉलिक्यूल में दो एटम है, तो जो हमने टोटल मॉलिक्यूल काउंट कर लिया उसके हिसाब से हम फिर दोनों के हिसाब से फिर एटम। देखो भाई कैसे करेंगे, तो पहले आप क्या करो, पहले जो आपको आइडियल सिचुएशन समझाई गई है क्या होती है, मैं सिर्फ लिख देता हूँ। वन मोल इज इक्वल्स टू ग्राम मोलिकुलर मास इज इक्वल्स टू 0.022 into 10 raised to the power 23 molecules and is equals to 22.4 liter। ठीक है, ये मोल कंसेप्ट का सिंपल सा एक लाइन है जिसमें हम ये कहते हैं कि किसी भी चीज का एक मोल उस चीज के ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर होगा। अगर मोलिकुलर फॉर्म में है तो वो कोई चीज एटॉमिक फॉर्म में होती है तो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। ठीक है, और उसके अंदर टोटल मॉलिक्यूल कितने होंगे, 6.022 into 10 to the power 23 molecules, और अगर कोई चीज एटॉमिक फॉर्म में होती है तो 6.022 into 10 to the power 23 atoms होगा। और अगर कोई चीज गैस है तो उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाती है, 22.4 लीटर हो जाती है। ये हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक, अब इसी चीज को आपने यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना है। क्या करना है, देख HCl का जो है आप मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कीजिए HCl का, और मोलिकुलर वेट की तो सर आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी यहाँ पे, हाफ क्योंकि मोल दे रखा है ना, हाफ मोल के अंदर HCl की वॉल्यूम कैलकुलेट कर। तो अगर मैं कहूँ वन मोल ऑफ HCl गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर, समझ में आती बात, किसी भी चीज का जो एक मोल है उसके अंदर कितनी वॉल्यूम होती है, 22.4 लीटर अगर गैस है तो, यह हमने लिखा है यहाँ पे HCl गैस है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके हाफ मोल में क्या हो जाएगा भाई, हाफ मोल ऑफ HCl गैस इज इक्वल टू 1/2 इंटू में 22.4 इज इक्वल टू 11.2, क्या आ गया 11.2 लीटर। ये क्या हो गया आपके पास, वॉल्यूम आ गई है किस चीज की, ये आ गई आपके पास HCl के हाफ मोल की वॉल्यूम। और इतनी ही वॉल्यूम किस चीज की आपके पास, CO2 इज इक्वल टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, ये रखा। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस भी कितना है, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इज इक्वल टू 11.2 लीटर। अब इसी वॉल्यूम में आपने ऑक्सीजन के एटम निकालने, तो पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, पहले आप कैलकुलेट करोगे कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 के मॉलिक्यूल, क्योंकि उसके बाद हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल में दो एटम है, तो टोटल मॉलिक्यूल जो CO2 का जाएंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ। ठीक है, तो यहाँ से आगे देखते हैं तो आप कैसे करेंगे इसको, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो जो आपने CO2 गैस ले रखी है उसकी वॉल्यूम इतनी आ गई। ओके, तो आप इस चीज को अपोजिट करो, किसी चीज का 22.4 लीटर अगर है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। किसी चीज का 22.4 लीटर है गैस का तो उसके अंदर मॉलिक्यूल कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो यहां से मैं क्या लिखता हूँ, 22.4 लीटर ऑफ CO2 गैस इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻³ हो जाएंगे। ठीक है, और अगर एक लीटर है CO2 गैस का तो मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, इसको डिवाइड कर दोगे आप कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे। और आपने कैलकुलेट कितने में करनी, 11.2 लीटर, क्योंकि 11.2 लीटर CO2 की वॉल्यूम आई है, तो 11.2 लीटर CO2 गैस में क्या आ जाएगा भाई, 6.022 × 10⁻³ × 11.2 कितने मॉलिक्यूल होंगे, 1 जा से गए ये 2। ठीक है,
तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लूँ, ये 1/2 है, 1/2, और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, एन ए लिख देते हैं, बहुत बड़ा वैल्यू है तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, एन ए का मतलब एवोगैड्रो नंबर, हाफ एन ए आ गया, ये क्या आ गया, मोलिक्यूल्स आ गए, किस चीज के मोलिक्यूल्स आ गए, मोलिक्यूल ऑफ CO2, ये इतने टोटल मोलिक्यूल आते हैं बस एन ए बाई टू या हाफ एन ए इसके CO2 के, और हमें क्या पता है, वन मोलिक्यूल दैट इज CO2 होता है, ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है इसमें CO2 के अंदर, CO2 का जो एक मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला CO2 है उसके कितने एटम्स है, दो, आपके पास टोटल मॉलिक्यूल कितने आए हैं, हाफ एन ए के अंदर कितने आ जाएंगे, टू इंटू में हाफ एन ए, तो उसे दो गया मतलब एन ए के बराबर, आप इसकी वैल्यू पूरा लिखना चाह रहे हो, आपको क्या आएगा 6.022 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये आंसर, ठीक है भाई समझ में आया, किसी को समझ में नहीं आया है तो अनम्यूट करके एक बार पूछ सकता है, मैं इसको रिपीट कर दूंगा, बिल्कुल आसान था, न्यूमेरिकल था, इसके बाद नेक्स्ट है मोलरिटी कैलकुलेट करनी है आपने, मोलरिटी का करवाने, देखो भाई क्वेश्चन आपके पास, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय20 ग्राम ऑफ NaCl इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट इट्स मोलेलिटी, आपने मोलेलिटी कैलकुलेट, हमने बहुत सारे कंसेंट्रेशन टर्म पढ़ी है, मोलेलिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, मास फ्रैक्शन, ठीक है, अब उन्हीं में से ही एक चीज पूछी आपसे, मोलेलिटी कैलकुलेट करनी है आपने, तो पहले तो जो NaCl दे रखा है, चलो मैं मोलेलिटी का फॉर्मूला आपको याद करवा देता हूँ, क्या था, मोलेलिटी इज इक्वल्स टू numbers of moles of solute divided by mass of solvent in kilogram, ये formula हम पढ़ के आए हैं molality का, ठीक है, चलो इसको थोड़ा modify करते हैं, molality को हम small m से represent कर देते हैं, number of moles को कैसे calculate करते हैं, given weight divided by molecular weight into में जो मास है उसको हम कैपिटल W से लिख लेते हैं, अगर ये ग्राम में है जो कि दे रखा है 250 ग्राम तो ऊपर का आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000, ये फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं, इसकी वीडियो भी मैंने भेज दी है, ठीक है कल परसों भेज दी, देख लेना वहाँ पे मोलेलिटी, तो ये क्या हो गया, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट, ये तो सोल्यूट के लिए हो गया भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट के आपके पास NaCl, तो इसका गिवन वेट 20 ग्राम है, इसका मोलिकुलर वेट हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और W क्या है, कैपिटल W जो कि ग्राम में लिख रखा है यहाँ पे, ये क्या आपके पास, ये है मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि कितना दे रखा है 250 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर किसका काम करेगा सॉल्वेंट का, तो मतलब आपके पास सब कुछ है किस चीज को छोड़ के, मोलिकुलर वेट को छोड़ के, तो गिवन वेट कितना है 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 250 ग्राम, 1000 तो है ही 1000, तो मोलिकुलर वेट नहीं पता आपको, NaCl का मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करो, सोडियम का होता है भाई 23, और उसको आप यहाँ पे तो वेट कितना था 20 गिवन वेट इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट आ गया 58.5 इंटू में जो वेट है वो कितना है 250 ग्राम ये इसका मास ऑफ सॉल्वेंट ये वैल्यू आ गई बस इसको आपने सोल्व कर ठीक है सोल्व कर लेना 1. समथिंग आ जाएगा देख लो 1.37 समथिंग ये क्या हो गया ये मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गया
जो आपके पास सोल्यूशन था उसके मूल्य लेके आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत है इसका? आगे चले देखते, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन ए, सैंपल ऑफ NaOH of weight 0.40 gram is dissolved in water and solution is made to 50 centimeter cube. What is the molarity of this solution? ये क्वेश्चन आपके पास क्या पूछा गया आपसे, आपसे कहा गया कि आपके पास एक सैंपल है NaOH का, मतलब NaOH भी है आपके पास जिसका वेट 0.40 ग्राम है, मतलब ये दिस इज द गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, NaOH का गिवन वेट है ये, उसको डिजोल्व किया आपने वाटर के अंदर और सॉल्यूशन को बना दिया गया 50 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये जो 50 सेंटीमीटर क्यूब है ये सॉल्यूशन की वॉल्यूम है ना कि वाटर की वॉल्यूम है. आपसे क्या कहा गया कि जो सॉल्यूट था NaOH उसको मिला दिया गया है पानी में एंड सॉल्यूशन इज मेड टू 50 सेंटीमीटर क्यूब. सॉल्यूशन को ही 50 सेंटीमीटर क्यूब से बना दिया गया, इसका मतलब 50 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है. और आपने क्या कैलकुलेट करना है, मोलरिटी, मतलब कैपिटल एम मोलरिटी को कैलकुलेट, ठीक है. तो यहां से आपको एक बात नहीं पता हो तो सिर्फ वो जानना आपने कि जो 1 मिलीलीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, बस ये बात आपको पता होना चाहिए. इसका मतलब क्या है, जो 50 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है वो एक्चुअली 50 मिलीलीटर ही है और कुछ नहीं, बस. अब आप ये न्यूमेरिकल आराम से कर पाएंगे. पहले आप NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं या फिर सीधा फॉर्मूले से शुरू करते हैं मोलरिटी के से, और जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी वो हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है. तो मोलरिटी इज इक्वल, क्या पढ़ा आपने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. सोल्यूशन की वॉल्यूम किसमें होनी चाहिए भाई, लीटर में होनी चाहिए, ये हम पढ़ के आए. तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट और जो वॉल्यूम है उसको वी से लिख देते हैं. और अगर वो वॉल्यूम मिलीलीटर में है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम 50 ml दे रखी है मिलीलीटर में, तो आप ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई. ये फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं, किस चीज का है, ये मोलरिटी का फॉर्मूला. तो गिवन वेट कितना है सोल्यूट तक, 0.40 ग्राम दे रखा है, ये रहा, ठीक है. मोलिकुलर वेट NaOH का आपने कैलकुलेट करना है, सोल्यूट का NaOH का मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करना है. वॉल्यूम कितनी है, 50 सेंटीमीटर. तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में भी आपको सब कुछ दिया है मोलिकुलर वेट को छोड़ के. तो मोलिकुलर वेट आप NaOH पे कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं NaOH. कैलकुलेट करो भाई, सोडियम का कितना होता है, अभी भी बताया था 23 प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस में हाइड्रोजन का कितना 1, इसको ऐड करोगे 6 और 1 7 और 3 10, 1 2 3 4 40 ग्राम NaOH का मोलिकुलर वेट भी क्या आ गया 40 ग्राम. ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है आपने, देखो मोलरिटी इज इक्वल, गिवन वेट कितना दे रखा था 0.40 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट कितना आ गया 40 इनटू में वॉल्यूम कितनी है 50 सॉल्यूशन की इनटू में 1000, ठीक है भाई. यहां तक अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसकी अगर ये डेसिमल हटाना चाह रहे हो तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 40 कैंसिल हो गया, 2 0 1 0 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, 1/5 आ गया, मतलब यहाँ पे 0.2 मोलर. दिस इज द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, समझ में आता है, ठीक है. इसके बाद आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है हमारे पास, और न्यूमेरिकल देखते हैं, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल देखो, थोड़ा लंबा खींचेगा ज्यादा भी नहीं, ठीक है. किसी को कोई दिक्कत आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो अनम्यूट करके बता सकता है, ठीक है भाई. कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बता दो, मैं किसी भी न्यूमेरिकल को रिपीट कर सकता हूँ अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, ठीक है.
हमने चार रो मेडिकल किए हैं, एक दो तीन और चार, ठीक। देखो आगे देखो, क्वेश्चन दिया आपको कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल, इसका फॉर्मूला दे रखा आपको C2H6O2 एंड वाटर इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास, ये क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है। आपने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं किस किस के, इथाइलीन ग्लाइकोल के और वाटर के। जब हम मोल फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे तो हमने क्या पढ़ाया था आपको कि अगर आपके पास दो कंपोनेंट हैं किसी भी सॉल्यूशन में, एक ए कंपोनेंट है और एक बी कंपोनेंट, तो उसके मोल फ्रैक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर मोल फ्रैक्शन आपने बी के कैलकुलेट करने, तो कैसे लिखते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बस ये बात अगर किसी ने ऑनलाइन क्लास नहीं ली थी तो आज मैं रात उसको ये बात नहीं बताऊंगा, अदरवाइज बताऊंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी समझ लो इसको। आपने मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट के अगर कैलकुलेट करने हैं तो उस जो कंपोनेंट है जिसके मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स को आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देते हो। टोटल नंबर ऑफ मोल्स से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन आगे, जैसे एक्स ए अगर आपने कैलकुलेट किया तो ए कंपोनेंट के जो मोल्स थे उनको आप टोटल मोल्स से डिवाइड कर दो, क्योंकि कंपोनेंट दो है तो दो से डिवाइड होगा एन ए प्लस एन बी। यहाँ पे एक्स बी जब आपने मोल्स को कैलकुलेट, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना बी कंपोनेंट के, तो आपने क्या किया, बी कंपोनेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स है उनको आप डिवाइड कर रहे हो टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। समझ में आती है बात, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें क्या चाहिए, हमें दो कंपोनेंट दे दिए गए हैं क्वेश्चन में, क्या क्या, एक तो इथाइलीन ग्लाइकोल मतलब C2H6O2 और दूसरा क्या दे दिया गया, वाटर। इन दोनों कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए हमें, मोल्स अगर आ गए तो फिर हम एक्स ए और एक्स बी दोनों के मोल फ्रैक्शन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो इन दोनों का तो आपको मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है, पहले तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए वेट कितना है इन दोनों का सॉल्यूशन में, वो नहीं दे रखा। तो वो एक चीज दे रखी है क्या, 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास, मतलब सॉल्यूशन के अंदर अगर टोटल सॉल्यूशन आप 100 ग्राम मान लेते हो, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो 20 ग्राम क्या हो जाएगा आपके पास इथाइलीन ग्लाइकोल C2H6O2 और 80 ग्राम क्या हो जाएगा वाटर। तो जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे जिनमें परसेंटेज बाई मास दिया मिलेगा, जो कि दे रखा है 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास, तो उस के सॉल्यूशन का जो टोटल वेट है वो आप 100 ग्राम मान लेंगे। 100 ग्राम मान लिया तो 20 ग्राम तो क्या हो गया हमारे पास, 20% दे रखा है तो 20 ग्राम C2H6O2 हो गया और 80 ग्राम क्या हो गया हमारे पास वाटर हो गया। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल C2H6O2 इज इक्वल टू 20 ग्राम एंड मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 80 ग्राम, ये गिवन वेट हो गया। अब इन दोनों का क्या चाहिए हमें, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। तो यहाँ लिख रहे थे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल कितना हो जाएगा, C2H6O2 फॉर्मूला है भाई, कार्बन का 12 होता है, 12 दूनी 24 प्लस में हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 16 दूनी 32, इसका टोटल करो भाई कितना आएगा, 6 और 2 8 हो गया, 12 1 3 और 1 4 2 6 62 आ गया, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम होता है भाई, 2 हाइड्रोजन का हो गया 16, ऑक्सीजन का हो गया 16 और 2 18 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ग्राम के अंदर इसका भाग ग्राम आ गया,
ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद आपने क्या कैलकुलेट करना, आपके पास गिवन वेट भी हो गया, मोलिकुलर वेट भी हो गया, गिवन वेट भी हो गया, मोलिकुलर वेट भी हो गया, तो आपने क्या करना है, आपने केवल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2, गिवन वेट 20 ग्राम, मोलिकुलर वेट 62 ग्राम, ये मोल्स आ गए इसके। और इसी प्रकार से मोल्स ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे, मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू गिवन वेट कितना है 80 ग्राम और मोलिकुलर वेट 18 ग्राम। ठीक है यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना, आपने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। एक्स ए कंपोनेंट मान लिया आपने C2H6O2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 कितना है 20 डिवाइडेड बाई 62 प्लस में वाटर के कितने 80 डिवाइडेड बाई 18, आपने इसको सोल्व करना है। इसी प्रकार से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 20 डिवाइडेड बाई 60। फिर आपने इसको सॉल्व करना है, ये दोनों क्या आ जाएंगे आपके पास मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे, कंपोनेंट ए जो कि इथाइलिन ग्लाइकोल लिया है, कंपोनेंट बी जो आपने लिया है वाटर। ठीक है कर लोगे यहाँ तक, आगे देखो। नेक्स्ट है आपके पास देखो क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मैनी ग्राम्स एंड मोल्स ऑफ NaCl आर प्रेजेंट इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.500 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ये क्वेश्चन है भाई, क्या है आपने NaCl जो है उसके ग्राम मतलब उसका वेट कैलकुलेट करना है और उसके मोल कैलकुलेट करना है, किसमें 250 ग्राम का 250 सेंटीमीटर क्यूब का एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन की मोलरिटी दे दी 0.500 मोलर, कैपिटल एम लिख रखा है, इसका मतलब ये कि आपके पास मोलरिटी है भाई किस चीज की, सॉल्यूशन की। इसमें उल्टा काम हुआ है, मतलब कि हमने अभी तक जो दो न्यूमेरिकल चीजें मोलरिटी और मोलरिटी वाले उसमें आपको वेट दे रखा था, कंपाउंड का फॉर्मूला दे रखा था जिसे आपने मोलिकुलर वेट कैलकुलेट किया, उसकी हेल्प से आपने मोलरिटी और मोलरिटी कैलकुलेट किया। अब आपको क्या दे दिया यहाँ पे, मोलरिटी दे दी आपको वेट और मोल कैलकुलेट करने के लिए। तो फिर से हम वहीं से शुरुआत करेंगे, कहाँ से, हम मोलरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। मोलरिटी इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अगर मिलीलीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। नंबर ऑफ मोल्स को फॉर्मूला क्या होता है, वेट गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट इनटू में यहाँ पे क्या है ये वॉल्यूम है मिलीलीटर में है और ऊपर क्या हो गया था, तो ये फॉर्मूला है मोलरिटी। तो ये गिवन वेट आपको कैलकुलेट करना है, अगली बार मोलरिटी आपको दे रखी है, मोलिकुलर वेट आप कैलकुलेट कर सकते हो, वॉल्यूम आपको दे रखी है, तो फिर से वही बात होगी, ये चीज दे रखी है, ये चीज कैलकुलेट हम आसानी से कर लेंगे, कैलकुलेट भी की अभी अभी थोड़ी देर पहले 58.5 समथिंग आती है। ठीक है तो और वॉल्यूम भी रखिए, तो केवल एक अननोन चीज बची, ये WW कैलकुलेट करना है। देखो तो भाई मोलरिटी की जगह आपके आप क्या लिखोगे 0.500 इज इक्वल वेट कितना है गिवन वेट W मान रखा इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट कितना कैलकुलेट किया था अभी थोड़ी देर पहले 58.5। ठीक है नहीं किया था ध्यान नहीं किसी को, अब देख लो NaCl का यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं, सोडियम का 23 होता है भाई, क्लोरीन का 35.5 होता है, दोनों को ऐड करोगे 58.5। ठीक है ये इसका मॉलिक्यूलर वेट, उसके बाद वॉल्यूम कितनी दे रखी है 250, कोई दिक्कत नहीं है आपको, सिर्फ क्या कैलकुलेट करना अभी WW कैलकुलेट करना, बाकी सब कुछ नोन हो गया, यही अननोन बचा है बस हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भाई इसकी अगर 3 जीरो हटाते हो, सॉरी ये डेसिमल हटाते हो तो यहाँ पे 3 जीरो लगेगी। ठीक है
2-0 से, तो 2-0 ये गई, इसकी 1-0 से 1-0 ये गई, यहाँ पे क्या बचा 5/10 इज इक्वल टू वेट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय, इसकी भी हटा दो, इसकी डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1000 पे हो गया 585 इंटू में 25, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद आगे देखते हैं हम, इसको काटो भाई 25 से कम 25 और 25 चौका 140 हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 5 × 5 = 10 ये हो गया, ठीक है। आगे 1/2 इज इक्वल टू 40W डिवाइडेड बाई 585, ठीक है। अब W की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दिस इंप्लाइज W की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से W इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, मतलब 585 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 40, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको सोल्व करते हैं, कितने से कटेगा इसको, ऐसे करो इसकी जो जीरो हटा के यहाँ पे डेसिमल लगा दो, क्या आ गया ये 58.5 डिवाइडेड बाय में क्या दो 8, अब इसको काट लो 56.8 × 24 एक ये कितना कितना ग्राम अप्रोक्सीमेट 7.31 ग्राम जो है वो गिवन वेट हो गया, या जो ग्राम्स कैलकुलेट किए थे, इसका मतलब क्या है कि इस सॉल्यूशन के अंदर 7.31 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट है। मोल्स और कैलकुलेट करने हैं, इसके मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट कितना है 7.31, ये कैलकुलेट किया हमने, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है 58.5, ठीक है, अप्रोक्स में 1/8 आ गया, कितने मोल्स हो गए, समझ में आया। तो ये लगभग लगभग आपके न्यूमेरिकल्स हो गए हैं मोलरिटी नॉर्मलिटी मोल फ्रैक्शन के और मोल कंसेप्ट के। अगर किसी को किसी भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो मेरे पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम नेक्स्ट टाइम डाउट क्लास लेंगे उसमें पूछ लेना। जो सिलेबस का काम चलेगा वो रेगुलर वीडियोस के हिसाब से चलेगा, डाउट क्लासेज आपकी ऑनलाइन रहेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी फिर देखते हैं।